आशास किचन। तो आज हम एक ऐसा नाश्ता बनाने जा रहे हैं जो सभी को बहुत पसंद आएगा। इस नाश्ते को खाकर सारे नाश्ते भूल जाएंगे आप लोग। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने लिया है पत्ता गोभी लिया है, ये हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, शिमला मिर्च लिया है और ये खीरा लिया है, टमाटर लिया है, प्याज लिया है, थोड़ा सा पनीर लिया है, हरी धनिया लिया है। इन सब्जियों को आप चाहें तो इस तरह के स्लाइसेस करके भी रख सकते हैं, बस बच्चे खाते नहीं हैं बड़े बड़े टुकड़ों में, तो हमने इनको चॉप कर लिया है। तो इसको एक साइड में रखते हैं। और ये हमने ब्रेड लिए हैं, ये ब्राउन ब्रेड नहीं है, वाइट ब्रेड हैं। और ये तीन आलू लिए हैं हमने, मेयोनीज लिया है, इसमें हम टमाटो केचप मिलाएंगे ढेर सारा। ये नाश्ता इतना बढ़िया लगता है, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। अगर इस नाश्ते को एक बना के खा लेंगे ना तो पेट इतना भर जाएगा, फिर खाना खाने का मन नहीं करेगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बढ़िया से। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है बढ़िया सा, और इसको रखते हैं एक साइड में। और ये आलू मैश कर लेते हैं। तो आप इन्हें चाहे कद्दूकस कर सकती हैं, मैशर से मैश कर सकती हैं। तो देखिए मैंने मैश कर लिया है, अब इसमें डालते हैं ये कॉर्न स्टार्च। ये एक चम्मच भर के डाल दिया है, अब इसमें डालते हैं हल्का सा नमक और इनको हाथों से मैश कर देते हैं, मिक्स कर देंगे बढ़िया से। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसे मैश कर लिया है और मिक्स भी कर दिया है। तो अब हाथों में थोड़ा सा तेल लगाते हुए हम इसकी टिक्की बनाएंगे। इस तरह से पतली पतली टिक्की बना देंगे। और इधर हमारा तेल गर्म हो रहा है तवा में, तो हम इन टिक्कियों को इसमें लगाते जाएंगे। ये देखिए मैंने चार टिक्की बना के तवे में डाल दिया है, अब इनको सिकने देते हैं। हम इन्हें उलट पुलट के बढ़िया सा कलर आने तक सेक लेते हैं, कुरकुरी होने तक। तो टिक्की हमारी सिक गई हैं बढ़िया सी, थोड़ा सा और सेक लेते हैं। तो जब तक ये सिक रही हैं थोड़ा सा और, तब तक हम ये इनमें सॉस लगा लेते हैं। आप इसमें ग्रीन चिली सॉस भी लगा सकती हैं, चॉकलेट सॉस लगा सकती हैं, दोनों ब्रेड में लगाएंगे दोनों तरफ से। लगा लिया है, अब इसमें स्टफिंग रखते हैं। तो सबसे पहले हम रखेंगे खीरा, ये खीरा रख गया। अब इसमें टमाटर जाएगा। टमाटर को मैंने चॉपर से चॉप नहीं किया, इसको हाथ से हमने टुकड़े कर लिए क्योंकि टमाटर बहुत पका हुआ था, ये रख गया। अब इसमें रखते हैं शिमला, ये रख गया शिमला। और इसमें एक टिक्की उठा के रखते हैं, ये गई टिक्की। अब इसके ऊपर रखते हैं पत्ता गोभी अपना, थोड़ा सा दाब देते हैं ताकि हमारी सब्जियां बिखरे नहीं। अब इसमें रखते हैं प्याज की स्लाइसेस, तो हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, छल्ले से बना लेंगे और इस तरह से रख देंगे, क्योंकि एक ऐसे रखेंगे तो ये ऊंचा ज़्यादा हो जाएगा, सेंकने में दिक्कत होगी। ये रख गया। और इसमें रखते हैं थोड़ा सा पनीर, आप चीज़ भी डाल सकती हैं, ये रख गया। थोड़ा सा और दाब देते हैं इसको, हरी धनिया। और अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा ओरिगैनो, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और इसमें थोड़ा सा ये सॉस और डाल देंगे। और इसको करते हैं बंद, थोड़ा सा दाब देते हैं, इधर जगह बना लेते हैं। टिक्की हमारी सिक रही हैं,
इधर जगह बना लेते हैं। आप हम ये रिफाइंड ऑयल में सेक रहे हैं, आप बटर में घी में इसको रख दिया, ये एक तरफ से लाल हो जाए फिर इसको पलटेंगे। तब तक हम दूसरी बना लेते हैं, इसमें थोड़ा सा तेल ऊपर से और लगा दे रहे हैं और इसको आराम से पलटेंगे। जल्दबाजी ना करें वरना सब्जियां बिखर जाएंगी इस तरह से। और इसको बीच में कर देते हैं ताकि अच्छे से चारों तरफ सिक जाए। और इधर ये भी हमारा तैयार हो गया है, तो हम ये टिक्के को हटा लेते हैं और दूसरा बर्गर अपना रख देते हैं। इसको इधर कर दिया और थोड़ा सा तेल डाला, इसको उठाया रख दिया आराम से। इसी तरह से हम और बना लेते हैं। तो ये सिक चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे हेल्दी एंड टेस्टी झटपट बनने वाले बर्गर बनके तैयार हो गए हैं, सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। सभी को बना के खिलाना ज़रूर, जो कोई हमारी वीडियो देखे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और बना के ज़रूर खिलाना अपने बच्चों को, सभी को बना के खिलाना। तो कैसी लगी हमारी रेसिपी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।